अंजय परिंदा क्रिकेट क्लब द्वारा आयोजित अखिल भारतीय T20 लेदर बॉल स्पर्धा के चौथे दिन शुक्रवार को शासकीय महाविद्यालय खेल मैदान में हजारों दर्शकों की मौजूदगी में 3 मैच खेले गए व साकेत ट्रॉफी को हासिल करने के लिए अन्य प्रांतों से आए प्रसिद्ध टीमों के खिलाड़ी दमखम लगा रहे हैं। स्पर्धा के चौथे दिन दिल्ली ने मैच जीतकर सेमीफाइनल में अपना स्थान पक्का कर लिया। इस तरह अब तक 3 टीमें दिल्ली, हरियाणा व धुलिया सेमीफाइनल में पहुंच गई है। मीडिया प्रभारी सुनील भावसार ने बताया कि शुक्रवार को पहला मैच लोट्स गुजरात टाइटंस बड़ौदा व संपूर्ण डायग्नोसिस जायंट्स बड़वानी के बीच खेला गया। बड़ौदा की टीम ने टॉस जीतकर फील्डिंग को चुना व बड़ौदा की टीम ने शानदार बॉलिंग करते हुए मैच को 9 विकेट से जीत लिया। बड़वानी की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 15 ओवर में 7 विकेट खोकर 110 रन बनाए, जिसमें टीम के राहुल गुरु ने 47 रनों का योगदान दिया। वही जवाब में बड़ौदा की टीम ने मात्र 8.5 ओवर में 1 विकेट खोकर मैच पर विजय हासिल करी। बड़ौदा टीम के मंजीत सोनार ने 29 गेंद पर 55 रन बनाए, वही अमेर कोहली ने 17 गेंद पर 37 रन बनाए व 2 विकेट लेकर मैन ऑफ द मैच रहे। क्लब के CEO राजू काका फोंगला ने जानकारी देते हुए बताया कि दूसरा मैच काका सरकार दिल्ली एवं मोहन फाइटर्स अंजर के बीच हुआ, जिसमें दिल्ली की शानदार बैटिंग देखने को मिली व दिल्ली ने 71 रनों से यह मैच जीतकर सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाए। दिल्ली की टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने मैदान में उतरी व ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 15 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 195 रनों का पहाड़ खड़ा किया, जो यह इस स्पर्धा का सबसे अधिक स्कोर है। टीम की ओर से आयुष भारद्वाज ने 16 चौकों व 6 छक्कों की मदद से 57 गेंद पर 113 रनों की पारी खेली व मैन ऑफ द मैच अपने नाम किया। वही जवाब में अंजय की टीम 15 ओवर में 3 विकेट खोकर मात्र 124 रन ही बना पाए। अंजय टीम की ओर से सिद्दीक मंसूरी ने 37 गेंद पर 65 रन बनाए व मोहित पाटीदार ने 35 रनों के योगदान दिया। अध्यक्ष दीपक व्यास ने बताया कि तीसरा मैच सेमीफाइनल में अपना स्थान बनाने के लिए मित्र मानुष चैलेंजर्स भोपाल व लोट्स गुजरात टाइटंस बड़ौदा के बीच खेला गया। जो भी टीम जीतेगी वो सेमीफाइनल में पहुंचेगी। भोपाल की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 13.4 ओवर में 159 रनों का लक्ष्य बड़ौदा की टीम को दिया, जिसमें भोपाल टीम के पंकज धुलधोए ने 20 गेंद पर 45 रन तथा रोहित जाटव ने 25 गेंद पर 44 रन बनाए। वही लक्ष्य का पीछा करने उतरी बड़ौदा की टीम ने समाचार लिखे जाने तक शाम 5 बजे तक 9 ओवर में 2 विकेट खोकर 100 रन बना लिए थे व मैच जारी है। शनिवार को होंगे 2 सेमीफाइनल। टीम प्रबंधक रमन फोंगला ने बताया कि स्पर्धा के 5वें दिन शनिवार को 2 सेमीफाइनल मैच खेले जाएंगे तथा प्रत्येक मैच 20-20 ओवर का होगा। पहला सेमीफाइनल मैच सुबह 9 बजे से तथा दूसरा मैच दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा। वही फाइनल मैच रविवार को दोपहर 1 बजे कॉलेज मैदान पर खेला जाएगा। आकर्षक कमेंट्री स्पर्धा के दौरान हो रहे मैच में आकर्षक व लुभावनी कमेंट्री क्लब के अशरफ अली, हाफिज साहब, प्रफुल्ल व्यास व नरेंद्र पाटीदार द्वारा की जा रही है, जो मैच के दौरान पूरी जानकारी तो देते ही है, साथ ही बीच बीच में हास परिहास व व्यंग के माध्यम से दर्शकों का खूब मनोरंजन कर रहे हैं। तीसरे दिन भी नगर सहित आसपास के क्षेत्र से हजारों लोग मैच देखने पहुंचे। महेंद्र